हेलो गाइस, ये वीडियो जो है दीपावली के एक दिन पहले की है। तो हम गए थे सामान वगैरह लेने के लिए, तो ये वही की फ़ोटो मैंने थोड़ी सी शूट की थी और पूरी तो नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि कामकाज के कारण ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो थोड़ी बहुत शूट की थी, तो कुछ घर का राशन लेकर आई थी, सामान वगैरह थोड़ा ख़त्म हो गया था। और फिर उसके बाद सामान वगैरह लाने के बाद ये गई थी कपड़े वगैरह लेने के लिए। तो बाबू के तो कपड़े ले लिए थे, बट अपने लिए यहाँ पर सूट देख रही थी, लेकिन ये कुर्ता जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और एक मज़े की बात बताऊँ, अब की मैंने साड़ी नहीं ली है, अब की मैंने सूट ही लिया है। क्योंकि होता क्या था कि हर साल साड़ी वगैरह ले लो महंगी से महंगी, लेकिन वो क्या होता था, रखी रहती थी, पहन नहीं जाता था। डेली में भी आप पहन नहीं सकते, या तो फिर कहीं शादी पार्टी हो तब पहनो, या तो फिर मतलब ऐसे ही रखी रहती थी। और ये दीपावली दिन की फ़ोटो है, तो वीडियो है। तो गई थी पटाखे लेने के लिए, बाबू को मैं भेज रही थी कि पटाखे ले आओ, लेकिन बोला नहीं मम्मा आप जाओ, आप ले आओ। वो नहीं गए थे तो मैं ही लेने गई थी, मैं और मेरे पतिदेव दोनों लोग गए थे। और वहाँ से तुरंत आने के बाद टाइम काफ़ी हो गया था, फिर यहाँ रंगोली वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था, मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रंगोली बना दी है और यहाँ बीच में बना रही हूँ। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हमारी ये रंगोली कैसी बनी हुई है। क्या करूँ यार, जैसा आता है वैसे ही बना लेती हूँ। और बाकी इधर गिट्टियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, तो इस वजह से पूरी नहीं बनाई, नहीं तो मैं पूरी अपने दरवाजे पर पूरी बनाती हूँ। और चलिए अब दिखाती हूँ आपके घर के अंदर का व्यू। और अब की मैंने झालर वगैरह भी नहीं लगाया क्योंकि रेलिंग हमारी काफ़ी गंदी थी, तो मेरा झालर लगाने का मन नहीं हुआ। और माला वगैरह मैंने कुछ भी नहीं टांगा, केवल गेट पर माला वगैरह टांगा क्योंकि गेट के पास अच्छा था। और ये जैसे कलश और ये सतिया वगैरह होता है ना, इसके स्टिकर खरीद के लाई थी, तो उसको भी मैंने चिपका दिया। और ये बीच में हमारी रंगोली जो कि आप देख रहे थे मैं बना रही थी, तो वो हमारी बन चुकी है। तो चलिए अब चलती हूँ अंदर। तो ये अंदर हमारे गेट का नज़ारा है, तो देखिए दीवारें कैसी अच्छी नहीं लग रही है ना, क्या करूँ। मतलब कि पेंट वगैरह नहीं करा पाई थी, एक तो बारिश होती रही है और फिर उसके बाद दीवारें वगैरह जो गीली रही हैं क्योंकि इसमें पुट्टी वगैरह लगाकर पेंट कराना था, तो फिर नहीं कराया। टाइम थोड़ा बचा था तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, आगे पीछे होता रहेगा, जब होगा तब होगा, लेकिन अभी तो कुछ ना कुछ करना ही है। और यहाँ मेरा दूसरा गेट है जिसको मैंने सजा लिया है, और यहाँ तीसरे गेट पे नहीं सजाती हूँ क्योंकि यहाँ पर सजाने जैसी कोई सुविधा नहीं है। और ये है हमारी अलमारी जिसको मैंने पेंट वगैरह कराया था, आप लोगों ने देखा था ना पेंट वगैरह हुआ था। तो अंदर मंदिर भी हमारी लग चुकी है। हाय गाइस, हैप्पी दीपावली। और दो तीन दिन के बाद अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है। टाइम क्या मिला हुआ है, सब ठीक है जैसे जो भी कुछ है। तो मैंने कहा आज थोड़ी सी वीडियो बना लेती, वरना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक तो काम हो जा रहा था और फिर थकावट हो जा रही थी, तो फिर कुछ करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। और आप सभी लोगों को आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी देखिए मैं भी रेडी नहीं हुई, सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, अभी सब कुछ ऐसे करना है। आप लोग सोचते होंगे कि कितना लूज़ मैं काम करती, तो ऐसा नहीं है। चली गई थी बाबू के लिए पटाखे लेने, मैं बोल रही थी उनसे कि वो खुद जाकर लेकर आए, लेकिन वो नहीं गए, वो बोलते हैं नहीं आप लेकर आओ। तो इसी वजह से मैं लेट हो गई। तो अभी आकर जैसे तैसे रंगोली बनाई थोड़ी बहुत, जो भी कुछ बना। और दरवाजे पर तो आप लोगों ने मेरा मतलब हाल देखा ही है। आप लोगों से बात करने के बाद मैं रेडी होकर आ गई क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो बताइएगा मेरी साड़ी कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि ये साड़ी एक बार मैंने पहले भी पहनी थी, शायद आप लोगों ने देखा हो कि नहीं देखा बट मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये साड़ी मैं एक बार पहले भी पहन चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने ये पुरानी साड़ी पहन रखी है। क्योंकि पिछले साल मेरी जो अच्छी साड़ी पहनी थी रेड कलर की, मतलब ज़्यादा भारी थी और काफ़ी महंगी थी, तो वो पल्ले के पास जल गई थी। कैसे जली मुझे भी नहीं पता, ये तो कहिए मैं बच गई थी कि मैं नहीं जली, वह केवल साड़ी ही जलकर रह गई थी। और पता है मज़े की बात तो ये हुई कि साड़ी मेरी जल गई और मैंने उसको उठाकर अलमारी में रख दी। जब एक दिन मैं शादी में पहनने जा रही थी तब मैंने उस साड़ी को पहनने के लिए फिर से निकाला, तो जैसे ही पहनने चली तो देखा वो जल गई। अब मतलब मुझे इतना अफसोस हुआ कि ये साड़ी मेरी जली तो जली कैसे, और दूसरी चीज़ मुझे पता भी नहीं चला, शायद वो चिपक जाती या कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान का
भगवान की कृपा थी जो मैं बच गई। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी और स्टार्ट होने जा रही है हमारी पूजा। वैसे तो पतिदेव करते थे लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लगा है तो मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। नहीं तो मेरे पतिदेव पूजा की तैयारी करते थे, सब कुछ वही करते थे, मैं उनको बताते जाती थी और वो करते थे। तो यहाँ पर मतलब पूजा हो गई है और ये बची है आरती। तो अभी तो पतिदेव कर रहे हैं और फिर इसके बाद मेरा बेटा करेगा और लास्ट सबसे लास्ट में करूँगी मैं। तो यहाँ पर आ गई मैं आरती करने के लिए क्योंकि मैंने अभी आरती नहीं की थी, स्टार्टिंग से ही पतिदेव को पकड़ा दी थी तो वो कर रहे थे। तो यहाँ पर चलिए मैं फटाफट से आरती कर लेती हूँ और बाहर वाले कमरे में भी आरती दिखा देती हूँ। और हाँ, ये हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से अच्छी अच्छी और नई नई वीडियो यानी कि आपके पास आती रहे। और यहाँ पर मैंने बाहर वाले रूम में भी आरती दिखा दी है, अब चल रही हूँ आरती रख दूँगी। और फिर इसके बाद अब जो है दीपावली में जो दिए जलाए थे तो उनको भी सब जगह रखना है, जैसे हमारे यहाँ सूप है, सिल है, झाड़ू है, किचन है, सब जगह रखा जाता है। तो सब जगह में मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं होती है जिस जगह रोशनी ना हो। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता था कि सिल है, सिल के पास रखना ज़रूरी होता है, सूप के पास झाड़ू रखना ज़रूरी होता है और जल के पास भी रखना ज़रूरी होता है, यानी सब जगह रखना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर ये दिया मैं ऊपर रखवा रही हूँ जहाँ पर मेरे ससुर और मेरे बेटे की फ़ोटो लगी हुई है। तो मैंने कहा कि अब वहाँ चढ़कर तुम रख दो, तो फिर अब वही मतलब पूरी रखेंगे, जीने पर भी रखेंगे और ऊपर छत पर भी जाकर रख देंगे। तब तक मैं यहाँ पर नीचे का मंदिर के पास का कुछ और भी काम देख लूँगी। और ये रहा हमारा बाथरूम, तो बाथरूम में भी जाकर पतिदेव ने ये मतलब दिया रख दिया है। तो हर जगह मतलब कि दीपावली वाले दिन कहीं कोई भी ऐसी जगह ना हो जहाँ अंधेरा हो, हर जगह दिया रखनी चाहिए। तो वही काम हो रहा है हमारे यहाँ भी। और पूजा हमारी हो गई है, पूजा करके मैं अब उठी हूँ। तो आप सब लोगों को हमारे परिवार की तरफ से ढेर 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 सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दीपावली। और ये हमारे भगवान, और जगह छोटी होने के कारण ऐसे ही एडजस्ट पर बाबू मेरा अपने पापा का पैर छू रहा है, पूजा हुई है। तो पिताजी जो है आशीर्वाद के रूप में उन्हें पैसे दे रहे हैं। तो बाबू मेरा बोल रहा है मुझे इतने नहीं इतने चाहिए, अभी आप लोग खुद ही उनकी आवाज़ में सुन लीजिएगा। चल ले लो अभी, चल ले लो अभी तो पकड़ो, ले लो अभी ले लो ले लो ले लो बेटो, दे यार अभी यार नहीं है, मम्मी दे देंगी। हैप्पी दीपावली तो बोलो, हैप्पी दीपावली। आप सभी लोगों को हमारे परिवार की तरफ से ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। अब चलिए चलते हैं बाहर, जरा देखते हैं पटाखों की धूम। और बाबू मेरा चल रहा है पटाखे छुड़ाने और मैं भी चल रही हूँ पटाखे छुड़ाने। चलिए फुलझड़ी थी, अनार था, चक्करगिन्नी थी, बाबू के लिए चटाई थी, जो चटाई आती है चटाई थी, और बारह फायरा स्काई शॉट और लैला मजनू, यानी क्या क्या तो पटाखे आ गए हैं। और यहाँ आप लोगों को मैं रोशनी दिखा रही थी कितनी अच्छी लग रही है, मतलब झालरों की झिलमिल झिलमिल कितनी सुंदर लग रही है, मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी।
और बाबू मेरा बाहर पटाखे छुड़ा रहा है और थोड़ा सा मीठा जो है मैं वहाँ रख देती हूँ। और आ जाइए आप लोग भी दीपावली मनाने के लिए, तो आ जाइए मीठा खा लीजिए आप लोग भी। तो चलिए ले चल के मैं दे देती हूँ पतिदेव को। बाबू के लिए रख देती हूँ, बाबू अभी पटाखे छुड़ा रहा है। और आज खाने में मैंने केवल छोला बनाया हुआ है और आलू गोभी की सब्जी है, रायता है, चावल बनाना है। अब जो भी ये लोग कहेंगे वो सेक दूंगी, चावल खाएंगे तो चावल, पूड़ी सेकाएंगे तो पूड़ी। फिलहाल अभी तो मैं ये मीठा लेकर चलती हूँ खाने के लिए, खिलाने के लिए। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ।